शुभ सकाल ओडिशा आपण मानको आम चैनल रे स्वागत चालंतु जानिबा देश विदेश तथा राज्यर 30 गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर, मास्क पिंधिबा को अनुरोध कले मुख्यमंत्री। राज्यर दैनिक संक्रमण पुणी वृद्धि पाइबारे लागिछि। भुवनेश्वर मास्क पिंधिबा एवं बाध्यतामूलक घोषणा होईछि। सेपटे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्य राज्यवासीको मास्क पिंधिबा को अनुरोध करछन्ति। कोविड महामारी विपद ए पर्यंत टली नाही बोली मुख्यमंत्री मध्य कहिछन्ति। संक्रमण निजक एवं अन्यमानको सुरक्षित रखिबा नै वर्तमान समयको देखि समस्त सचेतनता हेबार आवश्यकता रहुछि। सामाजिक दूरता अवलम्बन करिबाकु मध्य मुख्यमंत्री अनुरोध करिछन्ति। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को भेटिले नोट पेपर इंडिया एमडी। बालेश्वर रे हेबो नोट पेपर मिल। आज नवीन निवास मुख्यमंत्री को भेटिछन्ति। ब्यांग नोट पेपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रो परिचालन निर्देशक नवीन पटनायक को भेटि बालेश्वर हेबाकु थिबा प्रकल्प विषय अवगत कराई। भारतीय रिजर्व बैंक सहित मिसी बालेश्वर प्रोजेक्ट करिबा कंपनी गत काली क्षेत्र परिदर्शन करथिला। आरबीआई टी नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड रो मिलित उद्यम रे एक कंपनी बालेश्वर एक ब्यांग नोट मिल स्थापन करिबा पे 2500 कोटी टंका विनियोग करिबाकु से मध्य योजना करछि। परवर्ती खबर, ओडिसा रो लोन ऐप रे ठक। ओडिसा रो ठके होथवा लोन ऐप रो चेर चीन कु लंबिछि। ए ठकेर मास्टरमाइंड चीन रे रही ओडिसा रे चलाउथला रके। ए ठके मामले क्राइम ब्रांच 5 जन अभियुक्त को गिरफ करबा पर चीन रो लिंक मिलीछि। ए लोन ऐप ठकेर मास्टरमाइंड लियू इनजी एवं अन्य सहयोगी को गिरफ ईओडब्ल्यू तदंत को जोरदार करछन्ति। हेले ईओ चाइना फेरार हो जाइथवार गिरफ करबा मध्य असंभव हो जाइछि। तेणु लियू जीओ विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर मध्य जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर, जेल विभाग खोलिबा बीपीयूटी पार्लर। कैदी को समाज मुख्य स्रोत को फेरे आणिबा पे जेल विभाग विभिन्न पदक्षेप नेउछन्ति। एपरिक जेल भितर हस्तशिल्प ठार आरंभ करके फूड प्रोसेसिंग मध्य शिक्षा दिया जाउछि। हेले एबे मध्य झारपड़ा जेल महिला कैदी को मध्य प्रथम थर पई ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग दिया जिवो। झारपड़ा जेल रे थिबा महिला कैदी को स्वावलंबी करबा उद्देश्य रे ए ट्रेनिंग मध्य दिया जिवो। एक घरे संस्था पक्षर यह तालीम दिजाई। एक टीम झारपड़ा जेल को जा इच्छुक महिला कैदी सहित मध्य कथा होते। झारपड़ा जेल वर्तमान 40 जन विचाराधीन मध्य कैदी रही। परवर्ती खबर, खरीफ परिचालन राज्य को विरल सफलता। खनिज पदार्थ चिन्हट स्वच्छ निलामी प्रक्रिया एवं आमंत्रण खणि राजस्व संग्रह डीएफएम पांठि सुविनियोग पुणी थे देशर अग्रणी राज्यर मान्यता पाई। जातीय खणि एवं खनिज संपद संपीड़न 2022 ओडिशा को केंद्र सरकार पुरस्कृत कर 2019 मसीहा पर यह पुरस्कार स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ओडिशा को प्रदान कर खणिमंत्री प्रफुल्ल मल्लिक एवं विभाग प्रमुख सचिव डीके सिंह राज्य सरकार पक्षर यह पुरस्कार को मध्य ग्रहण कर। परवर्ती खबर, एकक पिजी प्रवेशिका आवेदन अवधि वृद्धि। राज्यर विभिन्न डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर व पीजी पाठ्यक्रम नाम लेखापे आवेदन अवधि वृद्धि पाई। छात्र छात्री आसंता 17 तारीख जाए एकक पिजी प्रवेशिका लगे आवेदन करें। जुलाई 18 और 19 तारीख 2 दिन पिलांक फर्म संशोधन पर सुजोग दिया। 25 तारीख अपराह 2 टू एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होब। तेज एकक प्रवेशिका परीक्षा व सीपीएससी 1 अगस्ट आरंभ हो सेप्टेम्बर 13 तारीख में सरीज। प्रतिदिन 3 टी सिफ्ट परीक्षा अनुष्ठित हो। परवर्ती खबर, आज ठार रत्न सिंहासन दर्शन देवे कालिया सांत। शेषर नीलकंदर को विजय करछंती नीलाद्रीनाथ। देवस्नान पूर्णिमा ठार अर्थात 29 दिन धरी खाली पड़ा रत्नवेदी चतुर्था विग्रह अवस्था पुणी मध्य उठू पड़ू। या सहित विजय नहांता महाप्रभु श्री जगन्नाथ चलते वर्ष घोषयात्रा परिसमाप्ति घटी। अभिमानी लक्ष्मी सांताणी को रसगोला खोई मानस भंजन करने रत्नवेदी को विजय करता पुणे बड़देवरी आरंभ हो दिवदार लीला खेला। चल चंचल हेब रोषशाला बाहर नीलचल अभड़ा भक्त पाइबे महाप्रसाद एवं श्रीमंदिर लगि रहल चहल। परवर्ती खबर, आज 700 पार कला कोरोना आक्रांत संख्या। राज्य में धीरे धीरे कोरोना विस्फोरण आड़ को मुहांछ। गत काल 509 संक्रमित चिन्हट होता बेले आज यह 700 पार कर। राज्य गत 24 घंटा मध्य 743 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 436 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 307 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 87 ଜଣ 18 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ଗୃହୀତ କରାଯିବ। କୌଣସି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଗୃହୀତ ନ ହୋଇପାରିଲେ 29 ତାରିଖରେ ଗୁଲୋଟିନ୍ ଜରିଆରେ ଗୃହୀତ କରାଯିବ। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖରେ 2022 ଏବଂ 23 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ଦିନର ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ରତ୍ନବିଧିଙ୍କୁ ଫେରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହଣି ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 12 ଦିନ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ବଳଦେଉଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ରହି ସ୍ନୋହାମୁହ ଭଉଣୀ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ରତ୍ନବିଧିଙ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ନୂଆଗାଁ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ତଥା ପୁରୀ ନୂଆଗାଁ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 08423 ବା 08424 ପୁରୀ ନୂଆଗାଁ ରୋଡ଼ ପୁରୀ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଏବଂ 2022 ପରଠାରୁ ପୁରୀରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:50 ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଫେରିବା ମାର୍ଗ 21 ଜୁଲାଇ 2022 ଠାରୁ ନୂଆଗାଁ ରୋଡ଼ରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8 ଏବଂ 10 ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ 08403 ଥ୍ରୁ ନୂଆଗାଁ ରୋଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାସେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲଟି ନୂଆଗାଁ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ମାର୍ଗରେ ଏହାର ସମୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଟକି ରହିଛି ବହୁ ଦୂରଗାମୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସାବେରୀ ସିଲେରୁ ଚିନା ଗୋଦାବରୀ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଜଳ ଆସି ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଯିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆସୁଥିବା ପଛୁଆ ଜଳ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସୁଧ ହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମେ ଯେ 8% ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଋଣ 60-40 ଅନୁପାତରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 2010 ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ନିଗମ ଅନୁଯାୟୀ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧହାର 11.5% ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ପରିଣାମ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସୁଧ ପରିମାଣ 8% ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ରାଜ୍ୟର ରେକର୍ଡ। ମାଛ ଚାଷରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 4,560 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏହି ପରିଣାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଚାଷ ଗବେଷଣାରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ସହିତ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ। କଥା ରଖିଲେ ମହାରହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଫେରାବାଦ ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଜିଲ୍ଲା। ଗାଁର ଗୋପୀନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଝିଅ ସାଗରିକା ପେଶାରୀ ଜଣେ ନର୍ସ ଚାକିରି କରନ୍ତି।
गत कोविड समय सागरिका ड्यूटी राजभवन में पड़ी से समय राज्यपाल को सेवा शुश्रूषा कर सागरिका बेस प्रशंसा पाई एथप सागरिका निज घर को राज्यपाल को आमंत्रण करते परवर्ती खबर आज दैनिक कोरोना आक्रांत संख्या 500 धीरे धीरे कोरोना विस्फोरण आड़क मुहाँ ओडिशा गत काली 512 आज 575 नूतन आक्रांत चिन्हट होती गत काली 572 जन संक्रमित चिन्हट होता बेले राज्य गत 24 घंटा मध्य 509 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती 249 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले 210 जन स्थानीय पॉजिटिव बा स्थानीय संक्रमण चिन्हट होती एम 52 जन 18 वर्ष कम बयस शिशु थानी जमापड़ी यह राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर ट्विट जगे सूचना दि जाइए। परवर्त खबर राज्य में आसंता 14 बढ़ा वर्षा ओडिशार लगी लघुचाप प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान वर्षा लग रही लघुचाप क्षेत्र एवं समुद्र मध्य सक्रिय रही कारण गत दुई दिन तुलन में वर्षार परिणाम वृद्धि पाई आगक बंगोपसगर आउ एक लघुचाप सृष्टि होवानी संभावना थी राज्य वर्षा स्थित आहरी सप्ताह पर्यंत जारी रही आकलन करत दुई दिन तले उत्तर आंध्र और ओडिशार स्थल भाग में सृष्टि होता लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसगर तथा समुद्र मध्य ओडिशा उपकूल सक्रिय रही। परवर्त खबर जनसंख्या नियंत्रण करिवारे ओडिशा को सफलता जनसंख्या नियंत्रण करिवारे राज्य सरकार सफलता हासिल करिसेंती विश्व जनसंख्या दिवस अवसर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस रिपोर्ट एक तथ्य प्रदान करिसेंती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निर्देशक सचेतनता हार वृद्धि पाई थी मोट प्रयोजन हार नियंत्रण आसी चलित बर्ष फिक्स्ड स्टैटिक सेंटर वृद्धि पाइबा विभिन्न पदक्षेप नि जहाद्वारा परिवार नियोजन उभय व्यवधान एवं सीमित पद्धति को व्यापक करने को प्रोत्साहन मिल राज्य प्रयोजन हार महिला पिछा 1.8% रही मोट प्रयोजन हार सबुठ गुरुत्वपूर्ण सूचक रही। परवर्त खबर 8 जिले अति प्रबल एवं 15 जिले में प्रबल वर्षार संभावना राज्य आगामी एक सप्ताह पर्यंत समग्र राज्य प्रबल वर्षा जारी रहिबार संभावना रही यह परिप्रेक्षी में आगामी 24 घंटा मध्य समग्र राज्य प्रबल वर्षा और अति प्रबल वर्षार संभावना रही तेज 8 जिले अति प्रबल वर्षा और 15 जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर यार सूचना दि जाइए। अति प्रबल वर्षार संभावना थी 8 जिला गंधमाल नवरंगपुर कलाहांडी गंजाम गजपति कोरापुट रायगढ़ और मालकानगिरी यहाँ दृष्टि रखे 8 जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई। परवर्त खबर 24 घंटे चिन्हट है 804 जन कोरोना आक्रांत उपर मुहाँ कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा मध्य राज्य 804 जन संक्रमित चिन्हट होती क्वारंटीन 471 जन थे 333 जन लोकाल केस रही चिन्हट 18 वर्ष कम वर्गर 71 जन आक्रांत रही यहाँ मिसे राज्य मोट आक्रांत संख्या 1,296,132 को वृद्धि पाई यहाँ राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर ट्विट जगे सूचना दि जाइए। परवर्त खबर श्रीमंदिर सामान भिक्षावृत्ति कर शिशु श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प अधीन चाकचक्य और श्रद्धा मौलिक सुविधावल व्यवस्था पर राज्य सरकार गुरुत्व देखते भक्त मैंने पूरी आसिले किपर भल अनुभूति नहीं पारि तापर प्राथमिकता रही मात्र यही चाकचक्य भितर बड़दाण्ड भिक्षावृत्ति करुवा कमलमती शिशु प्रति प्रशासन नजर पड़ूना चिराफिटा कपड़ा पिंधा पाने गिना देखे लोक मानक टा मगुंत लोके टा कि दुई टा दे चली जाऊँगी। परवर्त खबर सार मिलूनी गजा होने बिहन चाषी मान सार मिलूना सार जोगाण कलाबजारी कब्जा रही चाषी मानक सरकार मूल्य ठार बहु अधिक दाम देवाक पड़ू सार सहित अन्य सामग्री किणवा को बाध्य करषा हो चाषी तले पक बिहन पाना जो थे बिहन जगै दि जाऊँ 50% गजा हो राज्य विभिन्न जिले सार एवं बिहन जोगाण को विधानसभा असंतोष देखाई उभय विरोधी और शासक दल सदस्य मैंने सार जोगाण से होता विलंब को नहीं उद्वेग प्रकाश करने सहित
कृषि मंत्री जवाब तलब करते। परवर्त खबर मागणा बुस्टर डोज निष्पत्ति को नहीं मुख्यमंत्री स्वागत। केन्द्र सरकार पक्ष मागणारे बुस्टर डोज प्रदान करपत्ति को स्वागत करते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। वर्तमान परिप्रेक्षी में देश में मागणा कोविड टीका प्रदान करने लगी एक स्वतंत्र ड्राइव आरंभ होगा जाऊँगी। 18-56 वर्ष बयसर व्यक्ति मैंने मागणा बुस्टर डोज नहीं पारे। यहाँद्वारा देशर साधारण लोक उपकृत हो पारे। बास्तव हिताधिकारी एक निष्पत्ति गुरुत्व बहन करुच्चे। तेज जिते दूर संभव जोगद व्यक्ति मानक स्पेशल ड्राइव जोड़ा मुख्यमंत्री अनुरोध करते। परवर्त खबर ओडा को मिलला राष्ट्र खनिज पुरस्कार विकास पुरस्कार 2021-22 45,530 कोटी टंकार खनि राजस्व आदाय होई। चलित वर्ष वर्तमान सुधा 11,578 कोटी टंका राजस्व संग्रह करा जाई। यह विगत वर्ष तुलना 21.7.8% अधिक रही। तेज खनिज परिचालना ओडिशा एक नंबर भाव राष्ट्र खनिज विकास पुरस्कार पाई खनि मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक खबरदाता सम्मिलन कर यार सूचना देखते। 2015 केन्द्र सरकार खनि नीति में नूतन संस्कार आने अधिक लाभवान होती। खनि क्षेत्र विराट परिवर्तन करा जाई। परवर्त खबर राज्य में 1.10 लाख परिवार वन नेशन। केन्द्र सरकार वन नेशन वन रेशन कार्ड जो मोट 1.10 लाख लोक परिवार उपकृत होती। यह योजना अधिक संख्यक हिताधिकारी सुविधा प्रदान करने राज्य सरकार लक्ष्य रखिंट। विधानसभा स्वाधीन विधायक तथा मोरिंद मुदली एक प्रश्न लिखित उत्तर दे खाणी खाद्य जोगाण मंत्री रतन सभ्य सचिन नायक कहते 2021 जुलाई 29 तारीख यह योजना लागू होती। योजना मध्यम राज्य में 1,588,000 सुलभ मूल्य दुकान 1.10 लाख परिवार लोक उपकृत होती। परवर्त खबर आज राज्य में सुस्थ है 420 कोरोना आक्रांत। राज्य 420 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। यहाँ मिशे वर्तमान सुधा राज्य में मोट 1,82,690 जन आक्रांत सुस्थ हो सारी। यहाँ नहीं ट्विट जो राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर यार सूचना दि जाइए। आज खोर्धार सर्वाधिक 180 जन आक्रांत सुस्थ होता बेल कटक्रु 88 और सुंदरगढ़ 20 जन आक्रांत सुस्थ होती। परवर्त खबर ग्रीन चिली को सिल कला बीएमस अस्वास्थ्यकर परेश खाद्य परसवा पड़ी महंगा। राजधानी मेस्टर कैंटीन में ग्रीन चिली दुकान को सिल करते भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी। बीएमसी एक तदंतकारी टीम ग्रीन चिली दुकान पहुंची स्थिति अनुधान करते अस्वास्थ्यकर परेश रोसे होता देखा पाई। यापर तदंतकारी टीम ग्रीन चिली दुकान को 7 दिन सिल कर छड़ा जरिमाना कटा जाने सूचना दि जाइए। परवर्त खबर 55 नंबर जितिय राजपथ उपरोध ढेंकानाल सहर कलेजर बैपास 55 नंबर जितिय राजपथ को सका अंचलवासी अवरोध कर 55 नंबर जितिय राजपथ मरामति कार्य और संप्रसारण कार्य बंद हो रास्ता विपद संकुल अवस्था पड़ रही। एथिला दुर्घटना बढ़ुवा बेल बारंबार विभाग करतृपक्ष दृष्टि आकर्षण करने कौन से कार्यानुषान नि जाऊना। यार प्रतिवाद राजरास्ता रोक कर फल राजपथ जान बाहन चलाचल बाधाप्राप्त सृष्टि। परवर्त खबर एथर मध्य होबना छात्र संसद निर्वाचन चौद वर्ष छात्र संसद निर्वाचन होबना कलेज और विश्वविद्यालय छात्र संसद निर्वाचन होबना बर जो भाई भाव पाठपढ़ा चली आग को जारी रगस्ट मसर विश्वविद्यालय और कलेज गुड़िक नूतन शिक्षा वर्ष आरंभ हो जुलाई शेष सप्ताह सुधा स्नातकोत्तर सेमिस्टार परीक्षा शेष करने सेठारे कहुई। कोरोना समय प्रभावित होता पाठपढ़ार बाहरी कैंपस स्थित जपर पूर्वतर जारी रही नजर एभली रखा नहीं निष्पत्ति। परवर्त खबर राष्ट्रपति निर्वाचन भुवनेश्वर पहुंची जाइए बालाट बाज राष्ट्रपति निर्वाचन मुर्मू जीति 21 तारीख में फलाफल आज प्रकाश पाई। देश सर्वोच्च पद अलंकृत करने एनडीए समर्थित प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू और विरोधी मेन्टर प्रार्थी तथा जसवंत सिन्हा मुहांमुही होते राष्ट्रपति निर्वाचन निम्ते पोस्ती जोरसोर चली। भुवनेश्वर बैलेट बैग्स पहुंची सुरक्षा बल मध्य बैलेट बैग्स भुवनेश्वर विमानबंदर विधानसभा को अणा जाइए। निर्वाचन अधिकारी सहित पूरा टीम ओडिशा पहुंची
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।